संचारी रोग नियंत्रण अभियान हापुड़ में 1 जुलाई शनिवार से शुरू हो गया है, जो पूरे 1 माह तक चलेगा। अभियान का श्री गणेश जिला पंचायत हापुड़ के अध्यक्ष रेखा नागर ने फीता काट कर किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए ये ज़रूरी है कि सभी अपने आसपास साफ सफाई रखें, कचरा निस्तारण और जल भराव रोकने और शुद्ध पेयजल के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दें। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि मेरा देश निरोग, कोई बच्चा बीमार ना हो, इसी के तहत उन्होंने अभियान चलाया घर घर दस्तक। तो इसी में हमारे CMO साहब ने एक टीम गठित की है जो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक लागू रहेगी। उस पर क्या है कि घर घर जाकर उन्हें देखना है कि कोई किसी घर में कोई रोगी तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है। जैसे आजकल चल रहा है, मैं देख रही हूँ गाँवों में जाती रहती हूँ, तो मलेरिया के, चिकनगुनिया के, डेंगू के कई बीमार लोग मिलते हैं। तो इसके लिए इन्होंने पहले भी अच्छी पहल की थी। पहले इन्होंने TB का चलाया था, TB का जो इलाज इन्होंने कराया, मतलब उसमें घर घर टीम गठित हुई, आशा बहनें हमारी गई और जो रोगी पाए उनको अस्पताल में लाया गया, आशा बहनें उनका इलाज करती हैं वहाँ जाके। तो ऐसे यही अभियान अब चलाया गया है इस बार भी। संचारी रोगों की रोकथाम के लिए एक जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसका शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर, चेयरमैन पुष्पा देवी, CMO डॉक्टर सुनील कुमार त्यागी ने हरी झंडी दिखाकर किया। उन्होंने बताया कि रैली का उद्देश्य लोगों को संचारी रोग नियंत्रण के प्रति जागरूक करना है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत आज की लॉन्चिंग हुई है। इस जुलाई माह में 1 तारीख से लेकर 31 तक ये हमारा अभियान चलेगा, जिसमें घर घर दस्तक दी जाएगी और प्रत्येक मोहल्ले में साफ़ सफाई का एक अभियान चलाया जाएगा। ऐसे ही प्रत्येक गांव में साफ सफाई का अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि मच्छरों जनित जो रोग है वो पनपने ना पाए। नहीं, मिट्टी का तेल इसमें मिलाया जाता है, क्योंकि ये दवाई जो है बिना स्मेल की होती है, उसकी कोई महक नहीं आती है, केवल इसकी आती है और उससे हम मच्छर मार देते हैं, मच्छर मर जाता है उससे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार त्यागी ने जिला पंचायत अध्यक्ष और चेयरमैन को एक एक पौधा भेंट किया। संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट।